अब देखो, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स की थ्योरी डिस्कस करी थी। वहां पर हमने डिस्कस किया था क्या कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है और वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था कि हमारी वेक्टर की थ्योरिटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज मैं कुछ न्यूमेरिकल जो रहे वेक्टर से रिलेटेड क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। क्लियर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पे किसका, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, जो हम वेक्टर को रिजोल्व करते थे। तो मान लो मैं एक डायग्राम ले रहा हूं कि यहां पे एक इंक्लाइंड है और इंक्लाइंड का एंगल यहां पे दिया है मान लो 30 डिग्री। तो हमारे पास एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब इस इंक्लाइंड पे यहां पे एक ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक है ब्लॉक का मास दिया हुआ है यहां पे 10 kg। तो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास कितना है, 10 kg। और इतना हम लोगों ने 9-10 में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ब्लॉक का मास 10 kg होगा तो अर्थ इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा फोर्स। उस फोर्स को हम नाम देते थे वेट और वेट का फॉर्मूला होता था m into g। तो अर्थ जो है, अर्थ इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलेंगे वेट, वेट को हम बोलते हैं m into g। ब्लॉक का मास कितना है, 10। जी की वैल्यू भी हम क्या ले रहे हैं, 10 m/s². तो ये जो ब्लॉक का वेट आएगा ये तुम्हारा निकल के आएगा 100 न्यूटन। तो इस इंक्लाइंड पे जब हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया तो ब्लॉक का वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है और वो कितना है, 100 न्यूटन है। अब क्वेश्चन में कई बार क्या बोलता है, क्वेश्चन में कई बार बोलता है फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट, फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो वेट है, ये वेट किसके कारण बन रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ के कारण इस ब्लॉक पे जो वेट लग रहा है, इस वेट के हमें दो कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। इस वेट का एक कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है अलोंग द इंक्लाइन और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला था, जो भी वेक्टर का टेल है उस पर ओरिजिन इमेजिन करो और अभी इस केस में इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको क्या मान रहे हैं, वाई एक्सिस। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक का हमें एक कंपोनेंट चाहिए अलोंग द इंक्लाइन और दूसरा चाहिए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो अलोंग द इंक्लाइन हमने एक्स एक्सिस डिफाइन किया, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हमने वाई एक्सिस डिफाइन किया। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और ये वेक्टर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में निकल के आए, इसका मतलब है कि इसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब कंपोनेंट कितना होगा, तो प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। देखो है कि नहीं। अब यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये एंगल कितना, 90, ये 30, ये 90। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री से हम बोलेंगे ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। वहां पर अब कोई सा भी एक एंगल पकड़ लो। अब मान लो अगर हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री एंगल की, तो 30 डिग्री एंगल इंक्लाइन का था और 30 डिग्री एंगल वेट जो है वो किसके साथ फॉर्म कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है। और हमने क्या बोला था, जिसके साथ हम थीटा एंगल लेंगे उसके साथ हमेशा कौन सा कंपोनेंट चलेगा, कॉस। तो यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट लिखा जाएगा mg cos 30। समझ में, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है तो y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बनेगा mg cos 30 और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin 30। तो यहां पे mg cos 30 है, यहां पे कितना, mg sin 30। वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो वैल्यू अगर पुट करोगे तो m into g 100 sin 30 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो हम बोलेंगे 50 न्यूटन का फोर्स है जो लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन
और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एम जी कॉस 30। वैल्यू पुट करोगे एम जी हो गया 100, कॉस 30 रूट 3/2, तो रिजल्ट कितना निकल के आ गया, रिजल्ट निकल के आ गया 50√3 न्यूटन। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैंने लिया है किस पे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। तो क्लियर हुआ, तो इतना इसको नोट डाउन करो जरा। फिर देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, किससे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। ये जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ये न्यूमेरिकल हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में भी तुम्हें देंगे, तो अभी मैं इसको रीड कर रहा हूं न्यूमेरिकल्स को, और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों के सामने सॉल्व करता हूं, है ना। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लेने जा रहा हूं वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल तुम्हारा किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे। याद नहीं है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कब एप्लीकेबल है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एप्लीकेबल है जब हम दो वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूं, तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्स वेक्टर 2f एंड √2f। तो हमारे पास दो फोर्स हैं, एक है 2f और एक है हमारे पास √2f। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट व्हाट एंगल शुड द फोर्स वेक्टर 2f एंड √2f एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज √10f। सो दैट द रिजल्टेंट इज √10f, है कि नहीं। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है 2f, दूसरा वेक्टर क्या है √2f। एक वेक्टर हमारे पास 2f है, दूसरा वेक्टर √2f है, और बताना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जिससे कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना निकल के आए, √10f निकल के आए। समझ में, तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या हो जिसके कारण इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पर रिजल्ट क्या मिले, √10f मिले। तो अब सोचो ये न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे, और वहां पर रिजल्ट याद होगा जो भी मैग्नीट्यूड था रिजल्टेंट वेक्टर का उसको हम बोलते थे √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो एक नहीं, वहां पर अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, एंगल मालूम है, तो यहां से क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है। अब क्वेश्चन में रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, √10f किसके बराबर, तो ये हो जाएगा √ ए स्क्वायर, 2f का स्क्वायर कितना होगा 4f स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या हो गया √2f का स्क्वायर हो गया 2f स्क्वायर प्लस यहां पे होगा 2ab, तो 2f इंटू √2f इंटू क्या हो गया cos थीटा, थीटा वहां पे इन दोनों वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो और दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 10f स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 4√2 × f स्क्वायर इंटू cos थीटा। एफ स्क्वायर वाली टर्म मेरी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, 4 + 2 कितना है 6, इधर लेके जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा 10 − 6 किसके बराबर 4√2 cos थीटा के। ये अगले स्टेप में हो जाएगा 4 = 4√2 cos थीटा, तो cos थीटा कितना निकल के आ गया, cos थीटा निकल के आ गया 1/√2, और cos थीटा अगर 1/√2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड है। हमारे पास दो वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था दोनों के बीच का एंगल। तो नोट डाउन करो यहां पे, अब मैं डिस्कस करता हूं यहां पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वहां पे
अब देखो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं फिर से रीड कर रहा हूं। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोल रहा है टू फोर्सेस वाइल एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैव द रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। टू फोर्सेस वाइल एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैव द रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। इफ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज फाउंड टू बी 50 न्यूटन। इफ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट इज फाउंड टू बी 50 न्यूटन। फाइंड द टू फोर्सेस। तो देखो अब अगेन देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो एक का मैग्नीट्यूड कितना है F1, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है F2 है। अब जब इन दोनों वेक्टर की बात करेंगे तो इनमें से कोई एक वेक्टर बड़ा होगा, कोई एक दूसरा वेक्टर छोटा होगा। तो मान लो यहां पे कि F1 ग्रेटर देन F2 है, ये हमने अजम्पशन ले लिया। चाहो तो F2 ग्रेटर देन F1 मान लो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ये दोनों वेक्टर कैसे एक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। जब ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट होंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180।